सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोबारा से 6 वोल्ट बैटरी रिपेयर करने वाला हूं, वो भी फ्रेंड्स साल्ट एंड वाटर से। फ्रेंड्स पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। लैंप से निकाले थे उसी लैंप पे ये लगा के चार्ज कर सकते हैं, जो कि अभी मैं इधर 5 से 6 घंटे चार्ज कर लेता। सो फाइनली फ्रेंड्स, 6 वोल्ट जो बैटरी था वो अब पूरी चार्ज हो चुकी है, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अभी आप देख सकते हैं जो ऊपर का प्लेट था वो तो अभी लॉक टूट गया था, इसीलिए निकल गया है, जो कि मैं बाद में फेविक्विक लगा के चिपका लूँगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो ये 6 वोल्ट बैटरी है उसको मैं एक बार मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस तरह 20 पे मैंने सेट कर लिया, और इधर माइनस को माइनस पे एंड प्लस को प्लस पे लगाते हैं, इधर 6.0405 वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब जो 6V 4.5 Ah जो लीड एसिड बैटरी था वो अब पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, जो कि 6 वोल्ट बैटरी है तो 6.05 वोल्टेज शो कर रहा है। और फ्रेंड्स, इसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास है एक LED, जो कि अभी आप देख सकते हैं, जो कि इससे मैं चलाने वाला हूँ। और अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं है, और दो वायर को ज्वाइन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी ग्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है तो ये ग्लो कहाँ से होगा फ्रेंड्स। और जो कि इसको मैं चलाऊंगा फ्रेंड्स बैटरी से, एंड अभी आप देख सकते हैं इधर वायर लगाते ही इधर ये जो आप LED देख रहे हैं ये अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। अभी ये दिन का टाइम है तो उतना नहीं आपको दिख रहा होगा, बट रात में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। और अभी आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुका है। और अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उधर जाके वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो कि ऑल पे सेट कर लीजिए, जो कि मैं कोई भी वीडियोज़ डालूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोज़, मेकिंग वीडियोज़, एक्सपीरियंस वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी आ जाए।